इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस पर बच्चों को दिखाएं कुछ ऐसी बेहतरीन फिल्में जिनसे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 14 नवंबर को बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। इस दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। उन्हें चाचा नेहरू भी कहा जाता है। चाचा नेहरू को बच्चों से बेहद लगाव था। बाल दिवस के मौके पर हर माता पिता अपने बच्चों को स्पेशल फील करवाने के लिए कई तरकीबें अपना सकते हैं, जैसे कि बॉलीवुड की कुछ ऐसी मूवी दिखा सकते हैं जिससे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे तारे जमी पर। यह फिल्म बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स के लिए भी बेहद ज़रूरी है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि हर बच्चा खास होता है, उसमें कुछ न कुछ स्पेशल होता है। यह कहानी एक बीमारी से जूझ रहे बच्चे की है जो पढ़ाई में कमज़ोर है और हमेशा डांट खाता है, लेकिन उसकी आर्ट बहुत अच्छी है। उसकी असली ताकत पहचानने में उसकी मदद उसके एक टीचर करते हैं जिसका रोल आमिर खान ने किया है। आई एम कलाम, नील माधव पंडा की नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म आई एम कलाम हर बच्चे को जरूर दिखाइए। यह कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो हर हाल में अंग्रेजी सीखना चाहता है, स्कूल जाना चाहता है और बड़ा आदमी बनकर अपने परिवार के काम आना चाहता है। यह फिल्म बच्चों को खूब इंस्पायर करेगी। नंबर 3, स्टेनली का डब्बा। अमोल गुप्ते की फिल्म स्टेनली का डब्बा मनोरंजक होने के साथ साथ इमोशनल कहानी भी है। अक्सर हम बच्चों को तो कुछ चीज़ें करने से मना करते हैं, लेकिन खुद भी वही काम करते हैं। यह फिल्म बच्चों को आप दिखा सकते हैं। नंबर 4, मकड़ी। आप इस चिल्ड्रंस डे पर मकड़ी भी अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। यह फिल्म आपके बच्चों को खूब पसंद आएगी। नंबर 5, नीलबट्टे सन्नाटा। यह फिल्म गरीब माँ बेटी पर आधारित है। माँ घरों में काम करती है ताकि बेटी पढ़ लिख कर नाम कमाए, मगर बेटी सोचती है कि जो माँ करती है वह भी वही करेगी। माँ अपनी बेटी के मर चुके ख्वाब को जिंदा करने के लिए जी जान लगाती है। यह फिल्म बताती है कि सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक होता है और इंसान के सपनों के मर जाने के बाद कोई दर्द नहीं होता। इसमें स्वरा भास्कर ने सराहनीय अभिनय किया है। नंबर 6, चिल्लर पार्टी। मासूम बच्चों के एक ग्रुप के बारे में एक सूक्ष्म कहानी जो एक राजनेता के खिलाफ खड़े होते हैं और एक गली के कुत्ते की जान बचाते हैं। फिल्म ने कई लोगों के दिलों को छू लिया क्योंकि बच्चों ने एक मजेदार क्षणों का आनंद लिया और बड़ों ने इसके संदेश की सराहना की। नंबर 7, उड़ान। उड़ान बॉलीवुड की एपिक फिल्मों में से एक है। यह फिल्म बच्चों और माता पिता के बीच के कम्युनिकेशन गैप को दर्शाती है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे कई बार परिजन बच्चों को अनुशासन सिखाने के चक्कर में उन पर हद से ज़्यादा कंट्रोल करने लगते हैं। बच्चों में अनुशासन होना चाहिए, इतना नहीं कि उनका दम घुटने लगे। यह फिल्म ऐसे ही एक पिता और उसके बच्चों की कहानी को दर्शाती है। नंबर 8, इकबाल। यह फिल्म एक गूंगे और बहरे लड़के की कहानी है जो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए क्रिकेट खेलने का सपना देखता है। उसके पास कोई सुविधा नहीं है। उसके पिता भी उसके क्रिकेट खेलने का बहुत विरोध करते हैं, लेकिन वह हार नहीं मानता और अपने सपनों को पूरा करके रहता है। नंबर 9, तहान। फिल्म एक युवा लड़के और उसके पालतू गधे की है। 8 वर्षीय तहान अपने दादा, माँ और बहन के साथ कश्मीर में रहता है। ये सब इस आशा के साथ जी रहे हैं कि एक दिन तहान के पिता लौट कर आएंगे। उसके दादा की मौत के बाद जमींदार उनके परिवार की संपत्ति ले लेते हैं। इसके साथ ही तहान का गधा बीरबल भी ले जाते हैं क्योंकि तहान के परिवार ने उनसे कर्ज लिया था। बीरबल के बिना तहान का जीना मुश्किल हो जाता है। उसकी जिंदगी अब एकमात्र उद्देश्य बीरबल को वापस लाना है। इनमें से कोई भी मूवी आप अपने बच्चों को आज दिखा सकते हैं। कमेंट में जरूर बताएं आपके बच्चों को कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद आई। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।